रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, दिन है बृहस्पतिवार। क्या कबूतर, वेलकम टू द व्लॉग। और आज का दिन पौधों को पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बारिश रात को भी हुई है और फिर से होगी। वाइट ब्राइट सा डे लग रहा है, बड़ा ही हैप्पी और चीयरफुल वाइब वाला डे। सो आई होप अगर किसी ने व्लॉग अभी भी देखना स्टार्ट किया होगा तो आपका पूरा दिन अच्छा ही जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ पहले से। चांद या सूरज तो नहीं निकला है, लेकिन एक भाई साहब बड़े सही से निकल चुके हैं। ये उठ चुके हैं, मतलब अब इस पूरे इलाके में कोई नहीं सो पाएगा, क्योंकि ये करेंगे इस घर को बनाने का काम फिर से शुरू। तो तुम लोग भी सुबह सुबह ऐसे आसमान को देख कर, पक्षियों को देख कर खुश होते हो तो बताना ज़रूर। पक्षियों को तो बस उड़ना है, उनकी ड्यूटी नहीं है, मेरी है पानी भरने की। हमें दोपहर में ऐसे घर की लाइटें बंद करके घूमने की आदत थोड़ी है। लाइट गई, लाइट को गए हो गया है आधा घंटा, आज तो बारिश भी नहीं आई। नई लाइटें बंद घर की, बस एक यही रोशनी बची है हमारे पास, सनलाइट। सारे एक साथ ऑफिस जा रहे हैं, एक ही ऑफिस जा रहे हैं क्या? चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द डे। रोशनी देख के पता लगी क्या होगा कि लाइट आ गई है, लेकिन एक चीज़ की लाइट उड़ी हुई है, इसे ठीक कराने जाना है। आज मैं मिलवाता हूँ आपको अपने दादाजी से। ये है मेरे दादाजी, दादी और दादी जी, लेकिन आज दादाजी इम्पोर्टेंट है, क्यों ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। बाहर जाने के लिए जैसे ही निकला मेरी चप्पल गायब है। कल रात को हम कम सोए, मतलब लगा लो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद हम बहुत ही कम सोए। आज घर से बाहर तो जाना नहीं है कहीं, क्योंकि दीक्षा ने बोला है कि आज साथ रहो, और जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से तो कर सकता है इनकार, लेकिन ऑर्डर से नहीं। मैं आपका ही वेट कर रहा था। पैर में क्या हो गया? मार्केट अभी जस्ट खुली खुली है, बारिश तो आई नहीं, ये तो हर जगह ही हो रहा है। छोटा मोटा मुंबई हमारे पास भी है। खैर मुझे दुकान तो मिल गई है, या फोन रिपेयर। कल मोबाइल वालों से ओपिनियन ले लिया है, जाना स्टोर ही पड़ेगा। भैया समोसे फ्रेश होंगे? पनीर, काजू वाजू कुछ ताम झाम, सिंपल आलू और मटर या फिर जो भी? सिर्फ आलू। 3 पैक कर दो। भैया मेरे दादाजी बोलते थे जब भी अच्छा फील ना हो रहा हो, तबीयत खराब सी लग रही हो, तो जो मन कर रहा है वो खा लो। तो बड़े होके समझ आई ये बात कि एक्चुअली में वो समझा रहे थे सेल्फ लव। मेरे तो दीक्षा का मन कर रहा है समोसे और ब्रेड खाने का, मैं ले रहा हूँ समोसे और ब्रेड उसके लिए, सरप्राइज कर दूंगा। भैया कह रहे अगर बात ऐसी है तो हरी चटनी लो। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना गोलगप्पा कितना महंगा हो गया, समोसा वहीं का वहीं है, 10 रुपये। इतना शरीफ, इतना प्यारा, 10 रुपये। और मेरे दादाजी वाली ये ट्रिक या फिर ये वाली टिप आप लोग भी ट्राई करना। आपके समोसा और ब्रेड 4 OnePlus जाना पड़ेगा। कचोरी बहुत स्वाद थी, खाना खाने के बाद ना इतनी एनर्जी सी आ जाती है ना, मतलब सच में। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। बस थोड़ी देर में मार्केट लगने वाली है, आज थर्सडे मार्केट लगती है ना आज। ये जो 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ था ना, इसने ना घर की जो वैल्यू है वो बता दी। आप घर में रह के बहुत कुछ कर सकते हो, पहली बात। उसने आपको ना एक तरह से पर्सनली और मेंटली ग्रो होता हुआ देखा है। तो अपन लोग लाइफ में कुछ पाने के लिए इतना ज़्यादा आगे भाग रहे हैं ना, कि अपने को रुक के भी थोड़ा देखना चाहिए कि जो है वो कितना है, जो मेरे पास नहीं है और जो थोड़ा बहुत है मैं सोच रहा हूँ उसे कटा के आऊँ यार। और शाम को बाज़ार जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक बैन हो चुका है एंड वी मस्ट सपोर्ट इट। ये तो शुरुआत है मार्केट की, वहाँ से लेके वहाँ तक। मैं जिससे बाल कटाता हूँ वो भाई साहब अभी है ही नहीं। तुम्हारा भी होता है क्या कोई फेवरेट आर्टिस्ट या फेवरेट नाई जो ना हो तो तुम बाल ना कटाओ? मैं तो करता हूँ। ये भैया आलू कैसे थे? 100 का 2.5 किलो। 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज। बार्गेनिंग करना सीखना पड़ेगा बस। इस दुकान पे मुझे सब मिल जाएगा। तुम्हारी प्लास्टिक बैन नहीं हुई क्या? प्लास्टिक हमारी बैन हुई है बस।
सफ़ेद पेठा एक। मेरे को सारी सब्जियां इसी दुकान से मिल गई, ये सारी मेरी है। पैसे मैंने पूछ लिए और उन्होंने बताया कि 4 करोड़। तो सब्जियां पार्किंग में रख के अब फ्रूट्स लेके आऊँगा। राउंड 2। ये सुबह के लिए हो गया। तो बहुत ज़रूरी लाइफ की इम्पॉर्टेंट अपडेट। पहला, मार्केट से आम गायब हो चुका है। चौसा आम मिल रहा है, दशहरी नहीं देख पा रहे आप इस एरिया में। सेकंड, हमें शायद हमारे नए राष्ट्रपति का नाम पता लग जाएगा, पहले से ही पता था। और अब मैं जा रहा हूँ एक ऐसे बंदे के पास जिसके पास कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम लेके जाओ ना, उसके पास सबका एक ही सॉल्यूशन है, हेयर स्पा करा लो। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और पैसे भी रीजनेबल हैं। बाजीगर आ रही है, मुझसे और वेट नहीं हुआ, मैं कल ही कराऊंगा यार ये काम। लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, ना ही नहीं मिला, आम नहीं मिल रहे अच्छे। भैया एक मैंगो शेक, और मैंगो शेक में चीनी मिलाई हुई है, मैंने ये भी नहीं लिया पर मुझे मिल गया है, बिना चीनी का बिना फ्लेवर का मैंगो शेक। 8 बजने वाले हैं लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ है। शो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई, दाल चावल बहुत अच्छे बने हैं। बस नहा धो के मैं बैठ गया हूँ, बस थोड़ी देर में मैं सो जाऊँगा। मैं तो खाना खा के सो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। बनाने से पहले कुछ रिकॉर्ड किया था, वो सुन लेना, क्योंकि यही तो प्लान था कि आज हम थोड़ा कम सोए, दिन भर हसल करें पूरा और अपना रूटीन ठीक करें, रात को जल्दी सोने का वापस। अभी जब मैं मैंगो शेक ले रहा था ना, तो वहाँ पर एक सही एकदम पढ़ा लिखा सा बंदा लग रहा था मेरे को। उसके दुकान वाले पे आके जूस मांगा कि मुझे जूस पिला दो, पैसे मैं बाद में दे दूंगा, और जूस वाले ने मना कर दिया। ऑब्वियसली बिजनेस का टाइम है। मैं ऐसी कन्वर्सेशन ना कभी रिकॉर्ड नहीं करता, और मैं जब भी अपने ब्लॉग में किसी थर्ड पर्सन को लेना चाहता हूँ या उनसे बातें करता हूँ या उन्हें दिखाता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उनसे परमिशन लूँ पहले। ब्लॉग से ज़्यादा ज़रूरी उनका जूस था, तो उन्होंने बोला आई विल प्रे टू गॉड दैट यू गेट एवरीथिंग, और मैंने बोला कि आई विल प्रे टू गॉड दैट यू रिकवर वेरी सून। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेरी मदद कर रहे थे दुआएं देके, या फिर मैं उनकी मदद कर रहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मदद मांगने और देने के लिए कभी भी पीछे ना हटें, मतलब सोसाइटी चलती ही ऐसे यार, आदि मानव के ज़माने से ऐसे चलता आ रहा है। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना और मदद मांगना भी और देना भी। मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ओम नमः शिवाय।